नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, लोग भी इतने मतलब सियाणे बोले या पागल बोले समझ नहीं पा रहा हूँ मैं भी। यानी लोग बोलते हैं कि आपको ही नहीं पता, आप हमें फुद्दू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, एक डिटेल विथ रिकॉर्ड आपको मैं दिखाऊंगा सबूत के साथ। मेरा आप नीचे ज़रूर कमेंट करना, जो लोग भाई दुबई आप रहते हैं या वापस आ चुके हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, पूरे एविडेंस के साथ में हम बात करेंगे। एक बंदा है शायद उत्तराखंड का, जी हाँ, उन्होंने मुझे 500 रुपये फीस के डाले और डॉक्यूमेंट अपने भेजे। बोला सर आप देखिए, फिर मेरी मैं 7 बजे मेरी बात होती है तो उनसे बातचीत हुई, पूरी उनकी स्टोरी जानी, 5-10 मिनट लगे मुझे उनकी बात जानने में। फिर बंदा थोड़ा इमोशनल हो गया, सर मैं 3 जगह धोखा खा चुका हूँ विदेश जाने के मामले में। जी हाँ, मैं बोला भाई ठीक है, 3 जगह खा चुके, उनको तो छोड़ दो, बातें वो हो गई ख़त्म, अब आप बोलो। अब उसने मुझे दुबई का ऑफ़र लेटर भेजा, जी हाँ, और मुझे वीज़ा भी भेजा। अब ऑफ़र लेटर आ गया, वीज़ा आ गया, तो भाई क्या चाहिए आदमी को, मतलब टिकट बनाओ और जाओ, सिंपल काम है। बंदा एकदम तैयार था कि बस सर आप बता दो और मुझे अभी फ्लाइट करनी है, जबकि बंदे का खुद का ट्रक था, खुद बंदा ट्रक चला रहा था, नहीं मुझे नहीं पता लेकिन बता रहा था। उसकी बात सुनी, फिर मैंने उनसे बातचीत की, उसके वीज़ा देखा, मैंने ऑफ़र लेटर देखा। अब ऑफ़र लेटर पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आप आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ऑफ़र लेटर है, अल फातुम ऐसी फातिम कंपनी का नाम है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, देखो पूरा एड्रेस वगैरह कंपनी का दिया गया है, लेटेस्ट है भैया 7/11/2021 का, बंदे का नाम और ऑफ़र लेटर में फ़ोटो, ये और इम्पोर्टेंट की बात है। अब आप समझ सकते हैं दुबई में जो रहे हैं, दुबई गए हैं, क्या ऑफ़र लेटर में फ़ोटो आती है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करना। फिर इसने मुझे क्या बोला वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो कंपनी का है, ड्राइवर है। अब इसमें तनख्वाह की बात करें तो तनख्वाह दिखा दूं भैया, देखो 3000 AD तनख्वाह मिलेगी पर मंथ। जी हाँ, अब ये ऑफर लेटर आपने देख लिया और इसके नीचे वीजा देख लो, ये इसका वीजा है और इसके नीचे बंदे ने अकाउंट नंबर मांगे, कितने पैसे मांगे हैं, 3010 रुपये, ECS कार्ड होता है कोई मेडिकल से रिलेटेड, उसके पैसे मांगे हैं, बाकी कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, वीज़ा फ्री, ऑफर लेटर फ्री, टिकट बाकी है। और बंदे ने वीज़ा साइड से खुद से निकाला उसने, तो बोलता है वीज़ा तो ओरिजिनल है, 13000 रुपये इससे मांगे हैं। आप सोचिए इस बात को। मैं बोला अरे भाई मेरी बात सुनो, इससे मेरी बात हुई, मैं बोला अरे क्या है ये, इंडियन आपके पास लाइसेंस से दुबई में सीधा बिना कोई इंटरव्यू कोई सीवी सिलेक्शन में 3000 तनख्वाह, 3000 दुबई दराम ऑफर लेटर लिए बैठा है, कितना पैसा बनता है भाई 3000 दराम का, 60-65 हज़ार रुपये इसको मिल जाएंगे। मैं बोला ये आपके 100% फेक है, ये 13000 रुपये अकाउंट नंबर, बोला सर डाल दूं क्या आप बताओ मुझे। मैं बोला भाई बिल्कुल पैसे मत डालना, तेरे साथ धोखा होगा, दो बार हो चुका है, अब की बार भी धोखा पक्का होगा, ये ECS कार्ड जरूरत ही नहीं है इसकी, ये कंपनी बनाती है आपका। पहली बार ऐसा ऑफर मेरे पास आया कि एजेंट बोल रहा है कि ECS कार्ड बनाना है दुबई का, अरे तू तो इंडिया में बैठा है भाई, वो बनेगा तो तेरे जाने के बाद बनता है, अगर इंडिया में कोई आपका डॉक्यूमेंट बनता है तो पहुंचने के बाद बनेगा ना, वहां से तो वीज़ा विजिट वीज़ा या परमिट वीज़ा आता है, वहां जाने के बाद पूरा प्रोसेस होगा, आपका मेडिकल भी होता है, इंश्योरेंस भी होती है, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड इससे पैसे मांगे जा रहे थे। समझ में आ रही है बातें। मैंने बोला भाई फेक, आप बंदे ने देखो मुझे क्या बोला, आपके बस का काम नहीं है, आप भी फ्रॉड हो एक नंबर के, क्योंकि आप किसी को रास्ता नहीं बताते हो, आप अपनी दुकानदारी चलाते हो, बंदे ने मुझे ये बोल दिया। बताओ, यानी एक तरीके से इसके 13000 में बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मुझे इतना ही बोलना पड़ता, हाँ डाल दो कोई दिक्कत नहीं, सही है, बंदा पैसे डाल देता फिर मेरे पास फ़ोन करता सर धोखा हो गया मेरे साथ। सीधी सी बात है ना यार, इंडियन लाइसेंस से बिना कोई इंटरव्यू के 3000 ऑफर लेटर आ रहा है 3000 दराम का, सोचने की बात है ना, और कार्ड के पैसे इंश्योरेंस के पैसे मांगे जा रहे हैं, क्यों किस लिए। लेकिन वही है ना, जिसको सही रास्ता दिखाए ना उसको भी उसको धक्का लगा, उसको मतलब बहुत गहरा सदमा हो गया, वो पैसे डालने वाला था, वो बोलता है सर आपने मेरा प्लान चौपट कर दिया, मैं ट्रक बेचने का मेरा पूरा सिस्टम बना चुका हूँ, विदेश जाना है मुझे, आप बोल रहे हो फेक है ये, अब बताओ जी, मतलब ज़बरदस्ती लोग हाँ करवाना चाहते हैं कि ये सही आप बोल दो, ऐसी सिचुएशन है। अब ये बंदा कहाँ ऑनलाइन उनसे संपर्क में आया, डायरेक्ट दुबई से बात हो रही है, कौन बंदा है क्या है पता नहीं। तो इन जैसे लोगों से भाई बचने की बहुत आपको ज़रूरत है, इस बुक में भी यही बातें हैं, मैन पावर ऑफिस है, अरे इंडिया से अप्लाई कर लो ना। अब इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ उत्तराखंड में ऑफिस है, बोला मैं जानता हूँ सर ऑफिस बंद थी वो, आप बताओ, पता नहीं बंदा नशे में था क्या था मुझे समझ। मैं बोला ठीक है भाई तू तेरी कर ले, मैंने जो था मैंने बता दिया। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो कम समय में ज़्यादा तनख्वाह और आपको लालच देते हैं। इस बुक में भी मैन पावर ऑफिस है, लिस्ट है, मेडिकल वीज़ा वगैरह सब डिटेल है,
ये भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्तर पे ट्राई करें अच्छे से ऐसे मैन पावर ऑफिस। आप ये देखिए कि ये आपका मकान है, इसके आसपास में चारों ओर 100 किलोमीटर एरिया में 100% आपको मैन पावर ऑफिस मिल जाएगी। मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करें ताकि ये कम लालच में है ना, ज़्यादा तनख्वाह वाला झंझट से आप बच जाएं। समझ में आ गई होंगी मेरी बातें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।